हेलो एवरीवन वापस स्वागत है आपका यार कुछ टेक्निकल इशू के वजह से वो स्ट्रीम एंड हो गया लेकिन वापस वहाँ पे टेक्निकल इशू हो सकता है लेकिन अपने कनेक्शन में अपने दिल के कनेक्शन में अपने कॉन्सेप्ट के कनेक्शन में बिल्कुल यहाँ पे यहाँ पे कुछ भी इशू नहीं होगा क्योंकि ये बाबा जी लेके आए हैं उतना ही दरबार उतनी ही ताकत जोश और जुनून के साथ आपके सामने आज के दरबार का आज के दरबार का टॉपिक रहने वाला है बच्चों दैट इज एनालिसिस मेश एनालिसिस सेशन नंबर नाइन है ये तो फटाफट फड़ से शुरू करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेश एनालिसिस के ऊपर मैंने कल का सेशन ले लिया था और कल के सेशन में अपन ने कुछ बेसिक सम देखा आज हम लोग ऐसा कुछ सम देखने वाले हैं जहाँ पे आप मचाओगे बिल्कुल मचाओगे मचाओगे मतलब क्या यहां पे अलग अलग तरीके का सोर्सेस आने वाला है सोर्सेस मतलब क्या करंट सोर्स हो सकता है वोल्टेज सोर्स हो सकता है उनका पोजीशन हो सकता है राइट right? उनका डायरेक्शन हो सकता है उस अकॉर्डिंग अपने को आज सम्स को देखना है आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो चलिए शुरू करते हैं इस दरबार को और भी टाइम वेस्ट ना करते हुए लेकिन उसके पहले सभी को गुजारिश रहेगी कि फटाफट से फटाफट से अपने ये सेशन को लाइक कर दो क्योंकि काफी सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हुए यार अपने चैनल को आपके लाइक और आपके शेयर और आपके सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं है जनाब राइट एंड ये जो भी मेहनत चल रही है बिल्कुल एब्सोलुटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चल रही है जनाब क्योंकि ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जहां पर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं राइट right? वो भी जीरो से हीरो बनाने के लिए राइट right? तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी टीम पूरा काम कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए तो चलिए शुरू करेंगे आप हमें फॉलो भी करो ये बात कहना बहुत जरूरी है आप हमें फॉलो करो व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का फायदा यही है जनाब कि यार आपको है ना मतलब बिल्कुल हर दिन का अपडेट आपको वहाँ पे मिलता रहता है आप अपने कुछ डाउट्स रहेंगे तो पर्सनली वहाँ पे हम लोग का कांटेक्ट नंबर है आप उधर हमें डाउट पूछ सकते हो आपके कुछ कॉम्प्लीमेंट्स है आपके कुछ सजेशंस है मोस्ट वेलकम जनाब मोस्ट वेलकम काफ़ी लोगों ने कल मुझे कॉम्प्लीमेंट का मैसेज भेजा था उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच आपका प्यार ऐसे ही बनाए रहे एंड सारे फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करिए राइट तो चलिए आगे बढ़ना चाहता हूँ मेश एनालिसिस की तरफ आज का है सेकेंड लेक्चर आज के लिए यहां पर टॉपिक का नाम तो हम लोग पहले डालते ही है जनाब मेश एनालिसिस मेष एनालिसिस यस श्री गणेशा करेंगे हाँ जी चलिए तो पहला सवाल आज के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा बाय मेश एनालिसिस बाय मेश एनालिसिस एनालिसिस फाइंड द अननोन ई एम एफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइंड एंड अननोन आज के सम सारे ऐसे ही खतरनाक रहेंगे फाइंड एन अननोन ई एम एफ ई एम एफ ओके जी ई एम एफ वी इन द नेटवर्क इन द नेटवर्क ओके जी नेटवर्क विच कॉजेस विच कॉजेस विच कॉजिस द मेश करंट आई वन विच कॉजेस द मेश करंट मेश करंट आई वन आई वन टू बी जीरो टू बी जीरो ओए हो मतलब आई वन शुड भी इक्वल टू ज़ीरो और ऐसे केस में मैं यहाँ पे सर्किट पहले ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा तो आ जाए किस तरीके का बाबा जी ने आज सम दिया है बिल्कुल खतरनाक वाला येस दीस टाइप ऑफ सम इज़ देयर आई जस्ट हैव टू ड्रॉ वन वन रजिस्टर ओवर ईयर ओके जी आई जस्ट ड्रॉ वन रजिस्टर ओवर ईयर दिस इज वॉट नोड यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर लगवा दिया ओके okay, जी यहाँ पे एक रजिस्टर लगवा दिया और उसके साथ साथ एक वोल्टेज सोर्स लगवा दिया हाँ जी ओके ओके दैट्स अमेजिंग ग्रेट ओके okay, यहाँ पे प्लस और माइनस लिख दिया है ये वी है अपना जो मुझे फाइंड आउट करना है ओके okay, ये अपना वी है जो मुझे फाइंड आउट करना है एक और चीज़ उन्होंने दे दी है यहाँ पे दिस इज वॉट द वोल्टेज सोर्स दिस इज अबाउट ट्वेंटी वोल्ट ये कंप्लीट करवा दिया यहाँ तक ओके okay जी चलिए तो यहाँ पे टू ओम यहाँ पे फाइव ओम ओके okay, जी यहाँ पे वन ओम यहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल भी सिक्स ओम देखो पेपर से क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं यहाँ वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जो प्रीवियसली आज क्वेश्चंस है ना इंजीनियरिंग की खासियत होती है यार ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं हाँ जी ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं ये इंजीनियरिंग की खासियत है चलिए 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 आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी होने तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आना ही आना है आपको पेपर में राइट है जी चलिए तो ये है सवाल ये है सवाल आज का जो मचाएगा बवाल क्यों बवाल मचाएगा बिकॉज द सीन इज द सीन इज बच्चों बड़े ध्यान से सुनना आज तक मैं बैटरी देता था अभी मैंने दे दिया है ये सर्कल सर्कल का मतलब है इट इज़ कॉल्ड एज अ वोटेल वोल्टेज सोर्स जो अपनी बैटरी थी वो भी एक तरीके का वोल्टेज सोर्स ही है उसमें कोई दूसरा चीज़ पढ़ने लायक है नहीं लेकिन दिखाने का तरीका देखो दोनों का डिफरेंस अलग अलग है वो मैं ए सी सर्किट्स में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यार बैटरी में और इस सर वोल्टेज सोर्स में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस हम लोग ए सी में ज़रूर देखेंगे लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो कि दोनों के दोनों क्या है वोल्टेज सोर्स है तो अपने जो के वी एल के के सी एल के जो बाबा के मंत्र थे है ना के वी एल और के सी एल के जो बाबा के मंत्र थे वो मंत्र जैसे है वैसे ही रहने वाले हैं उसमें कोई खराबी नहीं है उसमें कोई चेंजेस नहीं रहने वाला है आर यू वेटिंग माई पॉइंट ठीक है तो वो तो वैसे के वैसे रहने वाले हैं एनी डाउट एनी कन्फ्यूज़न तो चलिए तो चलिए एक काम करेंगे एक काम करेंगे वापस से ये लूप से करंट भेज देंगे है ना मैं अभी आज इसी में करवा रहा हूँ ताकि उसमें टाइम वेस्ट ना हो तो दिस इज़ वॉट योर आई वन फर्स्ट लूप से ओके यहाँ से करंट भेज देता हूँ दिस इज वॉट योर आई टू यहाँ से करंट भेज देता हूँ दिस इज वॉट आई थ्री जो लोग भी पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जनाब हमेशा आपको क्लॉकवाइज करंट ही भेजना है आपके सर्किट से आई रिपीट हमेशा आपको क्लॉकवाइज करंट ही भेजना है आपके सर्किट से आर यू गेटिंग माई पॉइंट यस ओके जी तो चलिए अप्लाई यहाँ पे ही करवा देते हैं अप्लाई मैं एक करके बताऊंगा बाकी दोनों लूप के लिए आपको जमेगा ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देना है वो सभी को पता है सेम कॉम्पोनेंट डिफरेंट टर्मिनल डिफरेंट कॉम्पोनेट सेम टर्मिनल बाबा जी की जय हो जय हो बाबा जी की चलिए पूरा ताकत जोश और जुनून यहाँ पे प्लस है तो ये बैटरी है मतलब ये वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे क्या है ये रजिस्टर है तो डिफरेंट कॉम्पोनेंट सेम टर्मिनल कम ऑन डिफरेंट कॉम्पोनेंट सेम टर्मिनल मचा दो मचा दो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे वापस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दैट्स अमेजिंग ओके पोलैरिटीज़ क्या होती है चेंज होती है दूसरे लूप में जाऊँगा तो क्यों चेंज होती है पोलैरिटीज वो मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस सेशन में अभी भी बता देता हूँ करंट अपोजिट डायरेक्शन में है देखो I1 ऊपर से नीचे I2 नीचे से ऊपर खब ऑन आई ऊपर से नीचे I2 नीचे से ऊपर तो जाहिर सी बात है दोनों का पोलैरिटीज़ चेंज हो जाएगा ओके okay, जी तो दिस इज वॉट प्लस दिस इज वॉट माइनस अमेजिंग अप्लाई अपलाई यू लुप्लाई केवीएल टू लूप वन ओके तो ट्वेंटी वोल्ट का यहां पे मेरा बैटरी का सोर्स है नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल तो ऑब्वियसली माय वोल्टेज सोर्स विल बी अ पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स विल बी अ पॉजिटिव मतलब प्लस प्लस है ना आई थ्री okay, क्योंकि थर्ड करंट है एंड देखो V के लिए क्या है एंड देखो V के लिए क्या है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा ऐसे जाएगा ना यार ऐसे जाएगा V के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा इसका मतलब क्या बच्चों यार हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है मतलब माइनस ऑफ वी विच इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे करवा देने का सिमिलरली लूप टू के लिए भी करियो सिमिलरली लूप थ्री के लिए भी करियो क्या आ रहा है तीन इक्वेशंस आ जाएगा तीनों इक्वेशंस को आपको क्रेमर रूल से सॉल्व करना है भाड़ में गया क्रेमर रूल वो भी नहीं आ रहा है सीधा कैल्सी में डाल देने का आंसर आपको मिल जाएगा आंसर आपको मिल जाएगा लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपका वी जो है वो अननोन है तो आप उसको कैल्सी में नहीं डाल सकते कोई चीज़ अननोन होती है ना वो कैलकुलेट नहीं होती कैल्सी से अपने से होती है हम लोग होशार इंसान है ना जनाब कैल्सी थोड़ी होशार है हम होशार है हाँ जी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो कुछ भी चीज़ अननोन रहेगी तो आप उसे कैल्सी में नहीं डाल सकते आपको फिर क्रेमर्स रूल को ही वापस से लेके आना पड़ेगा बिल्कुल खुशी खुशी ऐसे ए लो क्रेमर्स रूल ए लो क्रेमर्स रूल है ना जी इस क्रेमर्स रूल की तरह हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा यू नो द क्रेमर्स रूल यस फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो क्या आपको क्रेमर्स रूल पता है जी क्या आपको क्रेमर्स रूल पता है बच्चों यस yes, हाँ या नहीं हाँ या नहीं फटाख से बता दो यार क्या आपको क्रेमर रूल पता है बच्चों क्या आपको क्रेमर्स रूल पता है यस 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 बिल्कुल बिल्कुल चलेगा चलेगा ठीक है नहीं जमा तो मुझे बता देना मुझे बता देना टेलीग्राम पे बता सकते हो व्हाट्सएप पे बता सकते हो नेक्स्ट सेशन में यही स्लाइड वापस लेके आऊँगा इसी में सॉल्व कर लेंगे क्या सिंपल है यार क्या सिंपल है क्या टेंशन है ज़िंदगी में बाबा जी होते हुए टेंशन ना ले बाबा जी लेते होते हुए कभी टेंशन नहीं लेने का ओके जी चलेगा चलेगा नेक्स्ट नेक्स्ट सम की ओर जा रहा हूं ये सम को आपको कंप्लीट करना है और दो इक्वेशंस आएंगे दो लूप के लिए आई टू एंड आई थ्री के लिए कैसे लिखना है आप जानते हो नहीं जानते तो प्लीज रेफर माय प्रीवियस टू सेशन सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन नंबर एट अच्छे से रेफर करना ताकि केवीएल दिमाग में पूरी तरीके से घुस जाए क्योंकि केवीएल नहीं समझा तो नॉट अ नोडल स्टार डेल्टा कुछ भी नहीं समझने वाला है ट्रस्ट मी कुछ भी नहीं समझने वाला है ओके okay जी चलिए मैं बढ़ रहा हूँ आगे मैं बढ़ रहा हूँ आगे मेरे सेकेंड क्वेश्चन की और बच्चों मेरे सेकेंड क्वेश्चन की ओर आज का बाय मेश एनालिसिस नालिसिस येस बचो फाइंड द करंट थ्रू फाइंड द करंट थ्रू फाइंड द करंट थ्रू थ्रू टू ओम रजिस्टर टू ओम रजिस्टर इन द सर्किट इन द सर्किट यस बचो ओके तो मैं अभी सर्किट को ड्रॉ करना चाहता हूं बिल्कुल आराम से ड्रॉ करेंगे क्योंकि सर्किट छोटा है लेकिन दिमाग को थोड़ा शॉर्ट रहने वाला है हाँ जी क्यों शॉर्ट कहा मैंने देखिए देखिए बहुत ही ज़्यादा सर्किट अच्छे से ड्रॉ करना क्योंकि यहाँ पे एक रहने वाला है बिल्कुल बैटरी और एक रहने वाला है यहाँ पे करंट सोर्स पहली बार पहला प्यार इस करंट सोर्स की ओर आना चाहिए क्योंकि आप पहली बार ये करंट सोर्स देख रहे हो दैट इज सिक्स एम्पियर तो दिस इज वन एम वन ओम दिस इज फाइव ओम दिस इज वॉट योर टेन वोल्ट एंड दिस इज वॉट योर टू ओम ओके जी तो so, ये है एक्चुअल सर्किट अपना इस सर्किट को मद्देनजर रखते हुए हमें इस सम को सॉल्व करना है ओके चलिए 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 थोड़ा ध्यान देना थोड़ा ध्यान देना बच्चों ओके okay? इस सर्किट को वापस रीड्रॉ करता हूँ मैं ठीक है जी तो आपको अच्छे से बड़ा सर्किट दिखेगा जिसमें मैं आपको अलग अलग साइंस को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आप भी जो अगर क्वेश्चन में दिया है उसी क्वेश्चन पेपर में उसको मार्किंग मत करिए हमेशा से क्वेश्चन पेपर में सर्किट ड्रॉ होना चाहिए इतना याद रखिए बी डबल ई के लिए स्पेशली ओके स्पेशली फॉर योर बी डबल तो ये है सिक्स एम्पियर अब मेरे ख्याल से आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है राइट right जी ये फाइव ओम and this is for 10 volts great great so देखिए जनाब बड़े ध्यान से सुनिए यहाँ पे आपको जो 6 एंपियर दिख रहा है एंपियर मतलब वो क्या है करंट सोर्स है एंपियर मतलब वो क्या है करंट सोर्स है बच्चों राइट right? अब उस करंट सोर्स को उस करंट सोर्स को अच्छा जी इसको क्या हो गई यस yes. उस करंट सोर्स को अगर उस करंट सोर्स को अगर मुझे सोल्व करना है तो देखिए यहाँ पे मुझे I1 वगैरह लगा के फ़ायदा है क्या चलिए मैं यहाँ पे एज़ यूजल यहाँ पे I1 लगा देता हूँ यहाँ पे I2 लगा देता हूँ ठीक है I1 लगा दिया I2 लगा दिया हाँ जी I1 I2 लगाने के बाद मुझे यहाँ पे समझ में आ गई कि यार I1 जो फ्लो हो रहा है वही डायरेक्शन मेरे सिक्स एम्पियर का भी है वही डायरेक्शन मेरे सिक्स एम्पियर का भी है मतलब बच्चों बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं ये सिक्स एम्पियर ये वन से भी फ्लो होने वाला है मतलब ये वन रेजिस्टर से कौन सा करंट फ्लो होने वाला है सिक्स एम्पियर ये टू से भी वही करंट फ्लो होने वाला है सिक्स एम्पियर का लेकिन बच्चों वहाँ पे आई टू भी फ्लो होगा तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको मेंशन करना चाहता हूँ मेरी आई वन की डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए स्टेप वन Loop वन बड़े ध्यान से Loop वन contains contains करंट सोर्स करंट सोर्स ये जो लिख रहा हूं ये एग्जाम में भी लिखना है इसके लिए मैं लिख के दे रहा हूं ओके okay, Loop वन contains करंट सोर्स ऑफ सिक्स एम्पियर्स therefore फोर डायरेक्टली आई वन कितना हो गया सिक्स amperes हो गया आई वन डायरेक्टली लिख देने का कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आई वन डायरेक्टली कितना हो गया सिक्स एम्पियर्स हो गया अब मैं बात करता हूं मेरे लुप टू की अब मैं बात करता हूं मेरे लुप टू की लुप टू के लिए मैं साइंस कैसे दे दूंगा बच्चों लुप टू के लिए साइंस कैसे दे दूंगा कम ऑन ये ये ऑन कम ऑन कैसे साइंस देंगे चलो फटाक से बताओ फटाक से बताओ जल्दी यस 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 एवरीवन एवरीवन एवरी कम ऑन ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना है ना जी तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव बात खत्म है ना जी ऐसी ही तो होती है है ना करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ये पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव बात खत्म बात खत्म पोलैरिटीज को चेंज कर दी साइंस उल्टा पुल्टा हो गया गलत हो जाएगा सब कुछ ओके बड़े ध्यान से सुनना है तो स्टेप टू स्टेप टू अप्लाई के वी एल बच्चों बड़े ध्यान से सुनना अप्लाई के वी एल टू लुप टू टू लुप टू यस लुप टू के लिए केवीएल अप्लाई किया कम ऑन बताओ बताओ माइनस टू आई वन मतलब आई टू आई टू माइनस टू आई टू पॉइंट प्लस टू आई वन क्योंकि आई वन देखो ऊपर से नीचे आ रहा है तो मुझे इन साइन से कोई भी मतलब नहीं है मुझे साइन कौन सा लेना है माइनस और प्लस का ही लेना है अरुवेटिंग माई पॉइंट माइनस एंड प्लस का ही लेना है क्योंकि वो लुप टू के लिए साइंस है समझ तो रहे हो क्योंकि वो लूप टू के लिए साइन से बच्चों राइट right? आगे बढ़ते हैं माइनस फाइव आई टू माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो सो फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस आई कैन सिंपलीफाई दीज इक्वेशन देर फोर देर फोर सिंप्लीफाई करके क्या मिलने वाला है टू आई वन माइनस सेवन आई टू इज इक्वल टू टेन इज इक्वल टू टेन देर फोर फ्रॉम फ्रॉम स्टेप वन फ्रॉम स्टेप वन वॉड इज स्टेप वन आई वन इज इक्वल टू सिक्स एम्पियर देर फोर वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे माइनस सेवन आई टू विच इज इक्वल टू टेन देर फोर ये ट्वेल्व हो गई माइनस सेवन आई टू विच इज़ इक्वल टू ये ट्वेल्व उस साइड पर शिफ्ट कर दी तो टेन माइनस ट्वेल्व हो गई देर फोर आई टू इज इक्वल टू टू अपॉन सेवन चेक करियो टू अपॉन सेवन दैट इज ज़ीरो पॉइंट टू एट फाइव एम्पियर ज एम्पियर एनी डाउट एनी कंफ्यूजन यस बचो एनी डाउट एनी कंफ्यूजन फटाफट से देख लो आई वन आई टू का वैल्यू क्या आपको अच्छे से समझ में आया है क्या यस 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 ताकि मैं यहां पर क्या बोला है देखो फाइंड द करंट थ्रू टू ओम रजिस्टर अभी तक फाइनल आंसर नहीं हुआ मुझे करंट थ्रू टू ओम रजिस्टर फाइंड आउट करनी है देर फोर फाइनल जवाब कैसे लिखेंगे देर फोर करंट थ्रू करंट थ्रू टू ओम रजिस्टर इज यस करंट थ्रू टू ओम रजिस्टर इज आई वन माइनस आई टू आप आई टू माइनस आई वन भी कर सकते हो कोई डाउट नहीं है बट सीन क्या होगा आई वन बड़ा है कंपेरिटिवली आई टू I1 बड़ा है कंपेरेटिवली I2 इसके लिए I1 वन माइनस आई टू किया अदरवाइज आई टू बड़ा रहता तो आप उसमें से माइनस करिए ठीक है थीके? तो सिक्स माइनस जीरो पॉइंट टू एट फाइव तो आंसर कितना आ गई यस yes, बच्चो फाइव पॉइंट सेवन वन एम पी एस फाइव पॉइंट सेवन वन एम पी एस एनी डाउट एनी कंफ्यूजन तो को हम लोग लिखते हैं आई टू ओम मतलब क्या करंट थ्रू टू ओम रेजिस्टर ओके सो दिस इज वॉट योर फाइनल दिस इज वॉट योर फाइनल आंसर बच्चो दिस इज वॉट योर फाइनल आंसर एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन यस बच्चो एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन बिल्कुल सही पकड़े हो चलिए एक और सवाल लेना चाहता हूँ आज के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा ये सवाल की तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि इसमें आने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमेश है ना मेश हो गया वैसे सुपर मेश है ना है ना आर यू पॉइंट मैन हो गया सुपर मैन वैसे मेश हो गया वैसे सुपर मेश चलिए बाई एनालिसिस एनालिसिस बड़े ध्यान से लिखना फाइंड द करंट थ्रू फाइंड द करंट थ्रू करंट थ्रू थ्रू हंड्रेड ओम रजिस्टर हंड्रेड ओम रजिस्टर रजिस्टर इन द सर्किट इन द सर्किट, इन द सर्किट। यस बच्चों क्या सर्किट है बड़े ध्यान से ड्रॉ करना है हमें सर्किट को थोड़ा बड़े अंदाज में ड्रॉ करता हूँ ताकि एक ही दफा हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे ओके okay, जी आप भी सर्किट को ड्रॉ करना ताकि यार कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है स्पेशली फॉर बी डबल ईस यहाँ तक तो ठीक है यहां पे सुपर मेष क्यों होता है है ना पावर का सुपर पावर वैसे मेश का सुपर मेश है ना हर चीज में सुपर लगा दो तो वो ऊपर चला जाता है ओए होए होए क्या बात है बाबा जी हर हर दो बीच दो क्या बोलते हैं ना चीज़ों के बीच में सुपर लगा दो तो वो ऊपर हो जाता है चलिए 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 मजा करेंगे बिल्कुल मजा करेंगे यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ट्वेंटी ओम यहाँ पे थर्टी ओम ये करंट है वन एम्पियर का अच्छा वन एम्पियर का करंट है सिर्फ ट्वेंटी वोल्ट यहाँ पे है फोर्टी वोल्ट फोर्टी वोल्ट यहाँ पे है फिफ्टी ओम एंड दिस गोना टू बी हंड्रेड ओम ग्रेट ये ओवरऑल सर्किट है यार ये ओवरऑल अपना सर्किट है अब वॉट इज सुपरमेश वॉट इज सुपरमेश बच्चों बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं सुपरमेश का मतलब होता है कम ऑन दो लूप्स के बीच में अगर मेरा करंट सोर्स आ गया ध्यान से सुनना दो लूप के बीच में अगर मेरा करंट सोर्स आ गया तो उसे कहते हैं दट टू लूप्स आर बिकमिंग अपर में सुपर मतलब बड़ा जो सबसे ऊपर सुपर मतलब बड़ा जो सबसे ऊपर तो बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ एज यूजुअल मैंने यहाँ पे आई वन फ्लो करवा दिया एज़ यूजुअल मैंने यहाँ पे आई टू फ्लो करवा दिया एंड सिमिलरली मैंने आई थ्री फ्लो करवा दिया बच्चों आई थ्री फ्लो करवा दिया मैंने ओके okay जी अब बड़े ध्यान से सुनना I1 आ गया I2 आ गया ये तो सब कुछ ठीक है स्टेप वन स्टेप वन यस 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 इसको हटाते हैं स्टेप वन क्या है स्टेप वन बड़े ध्यान से सुनना लूप वन एंड लूप टू कंटेंट्स अ कॉमन करंट सोर्स यहां पे लिखना चाहता हूं लूप वन एंड टू कंटेंस कंटेंट्स ए कॉमन कॉमन करंट सोर्स टेर फोर करंट इक्वेशन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है करंट इक्वेशन फॉर दैट इज येस फॉर द करंट इक्वेशन आई वन आई टू का करंट इक्वेशन कैसा रहेगा बड़े ध्यान से सुनना आई वन कैसे जा रहा है ऊपर से नीचे आई टू कैसे जा रहा है नीचे से ऊपर मतलब आई टू है वन एम्पियर के डायरेक्शन में मेरा डांस तो देखो आई टू है मेरे वन एम्पियर का डायरेक्शन में आई वन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है कफा है कफा है मतलब उनके बीच में नेगेटिव साइन है दैट इज़ नथिंग बट आई टू माइनस आई वन इज इक्वल टू वन एम्पियर आई टू माइनस आई वन इज इक्वल टू वन एम्पियर बिकॉज़ दे बोथ आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर यू गेटिंग माई पॉइंट दिस इज वॉट योर इक्वेशन नंबर वन बच्चो दिस इज वॉट योर इक्वेशन नंबर वन अब मैं चाहता हूँ इक्वेशन नंबर टू लिखा जाए है ना हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन नंबर टू अब बड़े ध्यान से सुनना कि यार अभी जो ये मैं लूप यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ देखो ये करंट इक्वेशन हो गया इस पर्टिकुलर लूप के लिए तो ये लूप को मैं हटा दे सकता हूँ ये लूप को मैं हटा सकता हूँ और जो बड़ा लूप क्रिएट होगा देखो ये जो लूप है ये मैं डॉटेड से जो यहां पे दिखा रहा हूं ये जो बड़ा लूप क्रिएट हो रहा है उस लूप को कहा जाता है सुपरमेश उस पर्टिकुलर बड़े लूप को कहा जाता है सुपरमेश आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्या कहा जाता है सुपरमेश? तो अभी वो करंट सोर्स का आपके इक्वेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है मैं रिपीट करता हूँ करंट सोर्स का आपके लूप के साथ कोई लेना देना नहीं है वो करंट सोर्स मैंने हटा दिया एलिमिनेट कर दिया और जो बड़ा लूप होगा उस बड़े लूप को कहा जाता है सुपर मेश क्या कहा जाता है सुपर मेश ठीक है जी ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम तो अभी इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा मैं कैसे लिखूंगा ऑब्वियसली पहले प्लस माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस बात खत्म बात खत्म जी बात खत्म चलो 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 अब बढ़ते हैं आगे अब बढ़ेंगे आगे चलिए चलिए अच्छा जी ये ट्वेंटी नहीं है मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा सिक्सटी बना देता हूँ ये ट्वेंटी काफ़ी कम हो जाएगा इसको सिक्सटी बना दो सिक्सटी बना दो ओके जी सिक्सटी बना दो ठीक है तो अच्छे से सॉल्व भी होगा और बैलेंस भी होगा नेटवर्क को ठीक है जी अब देखिए इक्वेशन कैसे लिखना है हमें लूप आपने ड्रॉ किया रहेगा होपफुली ऐसी आशा करता हो ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी फोर्टी और यहां पे सिक्सटी ठीक है जी तो देखिए 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 स्टेप टू स्टेप टू स्टेप टू चलिए चलिए फटाफट से फटाफट से स्टेप टू स्टेप टू अप्लाई ये बड़ा मजेदार है अप्लाई के वी एल टू लूप नहीं लिखेंगे टू सुपर मेश टू सुपर मेश देर फोर येस 20 जो है वो नेगेटिव से बाहर जा रहा है तो माइनस ट्वेंटी आई वन क्योंकि उसमें से i1 वन करंट फ्लो हो रहा है अभी 30 की बात करूँ तो उसमें से i2 टू फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे होगा माइनस ऑफ थर्टी आई टू अब मैं 50 की बात करूँ तो 50 में से दो फ्लो हो रहा है यार माइनस ऑफ फिफ्टी आई टू क्योंकि i2 से वो माइनस जा रहा है और i3 थ्री नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्लस फिफ्टी आई थ्री यहाँ पे होना चाहिए ओके फोर्टी की बात करें तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो माइनस फोर्टी और सिक्सटी की बात करें तो उल्टा है लोअर टू हायर है तो वो प्लस सिक्सटी होगा अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद के वी एल ऐसी मैं आशा करता हूँ नहीं भी हो नहीं भी हो आप अगर कंफर्टेबल तो मैंने बाकी सारे सेशंस पब्लिक रखे हैं आप बिल्कुल उसको जाके देखिए बिल्कुल उसको जाके देखना है ताकि आपका के वी एल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से क्लियर हो जाए राइट right, तो इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखना चाहता हूँ मतलब सिंप्लीफाई करके माइनस ट्वेंटी माइनस एटी आई टू ठीक है प्लस फिफ्टी आई थ्री ओके विच इज इक्वल टू माइनस अ ट्वेंटी ओके अब स्टेप थ्री स्टेप थ्री स्टेप थ्री क्या है अप्लाई के वी एल टू लूप थ्री अप्लाई के वी एल टू लूप थ्री यस बच्चों लूप थ्री के लिए एज यूजल के वी एल अप्लाई कर दो कर दो और तीन इक्वेशन मुझे मिल चुके हैं आई वन आई टू एंड आई थ्री राइट जी आई वन आई टू एंड आई थ्री ये तीन इक्वेशंस मतलब तीन अनोन है तीन अनोन को कैल्सी में कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है नहीं आपको पता तो कमिंग सैटरडे को कमिंग सैटरडे को हाउ टू यूज़ अ कैलकुलेटर का सेशन नंबर टू मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ अलग अलग इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये सब लाइवली दिखाने वाला हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर ठीक है जी तो बिल्कुल अपने चैनल के साथ बने रहिए के वी एल अप्लाई लूप थ्री को कर दो और फिर इक्वेशन लिखो तीनों इक्वेशन सॉल्व करो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई वन आई टू वन आई थ्री राइट फटाफट फड़ से क्या आंसर आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना ताकि मैं सही है या गलत है वो आपको रिप्लाई में बता सकूँ राइट right, जी ओके okay. तो अभी के लिए फिलहाल यहां पे ही स्टॉप कर रहा हूं मैं ओके okay. आज रात को वापस से टुडे एट नाइन पीएम वापस मिल रहे हैं हम लोग मैथ्स वन के लिए मैथ्स वन के लिए टॉपिक का नाम है लोगरदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रिकी टॉपिक है वो लोगेदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग आज करने वाले हैं ओके जी दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ जल्द से जल्द जल्द से जल्द एक धमाका होने वाला है अपने चैनल के ऊपर धमाका होने वाला है इस धमाके के लिए रेडी रही है क्योंकि काफ़ी लोगों का मुझे उसके रिलेटेड एक मैसेज आया था मैं वो भी स्क्रीन पे आपको बताने वाला हूँ ओके वा, okay, तो वो हम लोग जल्द से जल्द चालू करने वाले हैं सो तो धमाके के लिए रेडी हो जाइए राइट right जी तो मिलेंगे आज रात को नौ बजे तब तक के लिए बाय टेक केयर गुड डे थैंक यू वेरी मच